नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है वर्ष 2023 में सावन के पांचवें सोमवार व्रत का पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और रुद्राभिषेक करने का शुभ मुहूर्त क्या है, इस विषय पर हम बात करते हैं। इस साल सावन का पांचवां सोमवार व्रत 7 अगस्त को है। इस दिन सावन अधिक मास से कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। यह सावन अधिक मास का सोमवार है। पांचवें सावन सोमवार के दिन रवि योग बन रहा है, जो सुबह से लेकर रात तक रहेगा। हालांकि इस दिन सुबह से ही बद्रा लग जाएगी, जो शाम तक रहेगी। यह स्वर्ग की बद्रा होगी। हालांकि स्वर्ग की बद्रा का दुष्प्रभाव पृथ्वी लोक पर नहीं होता। आइए जानते हैं पांचवें सावन सोमवार व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, रवि योग कब से कब तक है, रुद्राभिषेक करने का समय क्या है और पूजा विधि क्या है। इस 7 अगस्त 2023 को सावन का पांचवां सावन सोमवार है। सावन अधिक मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह से लेकर अगले दिन 8 अगस्त को सुबह 4:14 तक रहेगी। पांचवें सावन सोमवार पर अश्विनी नक्षत्र सुबह से लेकर देर रात तक 1:16 तक है। सावन के पांचवें सोमवार व्रत के दिन रवि योग बन रहा है। ये एक शुभ योग माना जाता है। इसमें सूर्य देव का प्रभाव ज्यादा होता है। 7 अगस्त को रवि योग सुबह 5:46 से बन रहा है। ये देर रात 1:16 तक रहेगा। पांचवें सावन सोमवार व्रत के शुभ मुहूर्त। पांचवें सावन सोमवार के दिन शिव पूजा के लिए तो पूरा ही दिन शुभ है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:53 तक का है। इस दिन का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:21 से सुबह 5:03 तक का है। पांचवें सावन सोमवार व्रत का बद्रा और राहु काल का समय क्या है। इस दिन का अशुभ समय यानी कि राहु काल सुबह 7:26 से सुबह 9:06 तक है। इस समय पर आप पूजा भूल कर भी ना करें, क्योंकि राहु काल का समय अशुभ समय माना जाता है। इस समय की गई पूजा का हमें कोई फल नहीं मिलता, इसलिए आप गलती से भी इस समय पर पूजा ना करें। या तो आप इससे पहले पूजा कर लें या फिर आप इसके बाद पूजा कर लें। इस समय पर पूजा आप ना करें। अब मैं बात करूंगी पांचवें सावन सोमवार व्रत के रुद्राभिषेक का समय क्या है। सावन सोमवार के दिन आप सुबह से लेकर शाम के बीच कभी भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। पूरे सावन माह में शिव मास होता है। सावन माह के अलावा अन्य दिनों में रुद्राभिषेक के लिए शिव वास का होना जरूरी है। वैसे भी पांचवां सावन सोमवार अधिक मास का है, ये अत्यंत ही शुभ है। सावन सोमवार व्रत का महत्व। सावन माह और सोमवार दिन दोनों ही भगवान शिव के लिए हैं। सावन सोमवार के दिन व्रत और शिव पूजा से आप अपने मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। अपने लिए उत्तम जीवन साथी के लिए सावन सोमवार का व्रत रखा जाता है। सावन सोमवार से शुरू करके 16 सोमवार तक भी व्रत कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी पांचवें सावन सोमवार व्रत की पूजा विधि के बारे में। सावन सोमवार के दिन आप सुबह जल्दी उठे स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने। वस्त्र आप काले और नीले भूल कर भी ना पहने, हरे लाल पीले गुलाबी रंग के वस्त्र आप पहन सकते हैं। उसके बाद आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद आप तुलसी पूजन करें। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में पूजा करें। उसके बाद आप शिव मंदिर जाएं। सबसे पहले आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें। उसके बाद आप पंचरामृत से अभिषेक करें। पंचरामृत दूध दही घी शक्कर शहद गंगा जल इन 5 चीज़ों से मिलकर बनता है। उसके बाद आप पंचरामृत से अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद फिर आप जल अर्पित करें। इस तरह आपका अभिषेक पूर्ण होता है। अभिषेक के बाद आप सभी पूजन सामग्री अर्पित करें। जो आपके पास है वो सभी पूजन सामग्री को आप अर्पित करें ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए। भोग के रूप में दूध से बनी मिठाई या चावलों से बनी खीर अर्पित करें। इसके बाद सावन सोमवार व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। अंत में आरती करें और उसके बाद आप अपनी गलतियों के लिए भगवान से माफ़ी मांगें। सावन सोमवार के उपाय। शास्त्रों के अनुसार आर्थिक लाभ के लिए सावन के पांचवें सोमवार को दूध और गंगा जल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। नंबर 2, कैरियर में तरक्की के लिए सावन सोमवार पर शिवजी भोलेनाथ जी को केसर अर्पित करने से लाभ होता है। नंबर 3, किसी भी मनोकामना के लिए या
या फिर कार्यों में सफलता के लिए इस सावन सोमवार के दिन शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करें। इस उपाय को करने से मनोवांछित सफलता प्राप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।